नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिनिया ऑटो व्लॉग्स हाल ही में मैंने आप लोगों के साथ एक एक्सटेंट एक शेयर किया था जो होता है फोर्ड एक्ोस्पोर्ट और मारुति सुजुकी डिज़ायर के बीच आज अगेन मैं आप लोगों के साथ एक और एक्सटेंट शेयर करने जा रहा हूं जो होता है सेकेंड जनरेशन स्विफ्ट और ट्रक के बीच ये एक्सीडेंट कैसे होता है इसकी फुल डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने जा रहा हूँ बस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं और अगर आप लोगों के पास किसी भी एक्सीडेंट की इमेज और वीडियोस हैं और फुल डिटेल्स हैं तो आप हमारे इस ई मेल पर भी शेयर कर सकते हैं ये एक्सीडेंट होता है शामली रोड यूपी में सेकेंड जनरेशन मारुति स्विफ्ट डीजल के साथ जिसके अंदर टोटल पाँच लोग बैठे हुए थे सभी टीनेजर्स थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे उसी टाइम इनमें से एक फ्रेंड जो पीछे बैठा हुआ था वो फेसबुक पर लाइव करता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी इस लाइव वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं और जो इवन जो ड्राइव कर रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दे रहा है काफ़ी देर तक वीडियो के अंदर देख रहा है बट जो उसकी ड्राइविंग है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर आप वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो हंड्रेड से भी अबव है अप्रॉक्सीमेटली वन ट्वेंटी किलोमीटर पर आर की स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं और फेसबुक पर लाइव करने की वजह से वीडियो में इतना ज़्यादा ध्यान देने की वजह से ये एक्सीडेंट हो जाता है अभी आप देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर सभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्सीडेंट होता है ये एक्सीडेंट होता है ट्रक के साथ इतनी ज़्यादा स्पीड में ड्राइव करने के बाद अटेंशन ना देने की वजह से सीधा कार टकरा जाती है ट्रक के साथ यहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद इतना बैडली क्रैश होने के बाद कार के पूरे परखच्चे उड़ जाते हैं इवन कार पहचान में भी नहीं आ रही है कि कार है कौन सी यहाँ पर आप कुछ वीडियो देख सकते हैं ये एक्सीडेंट होने के बाद की वीडियो है जिसके अंदर तीन जो फ्रेंड्स है उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और जिनमें से दो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं सोगा so इस एक्सीडेंट को देखने के बाद हमें एक ही यहां से लेसन मिलता है कि अगर आप कार को ड्राइव कर रहे हैं तो आपका जो अटेंशन है वो टवर्ड्स ड्राइविंग ही होना चाहिए ना कि आपके मोबाइल फ़ोन की तरफ या फिर और किसी भी चीज़ के ऊपर आपकी अटेंशन नहीं जानी चाहिए काफ़ी केसेस में ये देखा गया है कि लोग मोबाइल पर मैसेजेस कर रहे होते हैं कॉल्स कर रहे होते हैं जिस वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और कुछ केसेज ऐसे भी आते हैं कि फेसबुक पर लाइव करने के चक्कर में अपना जो ध्यान है वो मोबाइल की तरफ देते हैं जिस वजह से कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं सो so गैज़ मैंने ये लेसन देना था आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू तो अगर ये लेसन आप लोगों को पसंद आया हो और अगर आप लोगों को लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए और सभी लोगों के तरफ इसका अटेंशन ज़रूर जाना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बी सेफ एंड बाय